Today, we are going to take up Dragonfly at My Window Pane by Wole Soyinka. See, Wole Soyinka is a Nigerian poet and he is the first African author to receive the Nobel Prize for Literature in the year 1986. Uh, he is a culture-conscious poet, okay, who wants to assert his African identities through the medium of English language. Like, Wo apni African identity ko, English language ke through represent karna chate. ट्राई टू अंडरस्टैंड की इट्स अ फैक्ट दैट कोई भी जो लैंग्वेज होती है या लिटरेचर होती है वो किसी ना किसी कल्चर का प्रोडक्ट होती है तो उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूरोपियन कल्चर का प्रोडक्ट है और वो यूरोपियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है ना वोले सोनका ने यह कोशिश की है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एफ्रीकन कल्चर को रिप्रेजेंट करें ही वॉन्ट्स एक्चुअली टू मेक इंग्लिश अ वहीकल टू रिप्रेजेंट दफ्रीकन कल्चर नाउ दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज लाइक एक डिफरेंट कल्चर को किसी फॉरिन लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करना इज नॉट दैट इजी बिकॉज द आइडेंटिटीज आर रियली कॉन्फ्लिकटिंग फाइन एंड पहले भी जब जब वेन इट वॉज द कलोनियल रूल तो स्कॉलर्स ने यह कोशिश की थी कि वो मतलब इसको अफ्रीकन थाट्स को और अफ्रीकन कल्चर को रिप्रेजेंट करें एक्सप्रेस करें थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज बट द थिंग वॉज कि

ओके यू कैनॉट गेट द सेम फ्रेजेज एंड द सेम एडियम्स टू एक्सप्रेस द नेटिव थॉट तो जो एसेंस होता है वो एसेंस खत्म हो जाता है एंड देन यू नो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता सो and you all know like nigeria is a, uh, is having 100 different uh, groups and several 100 different languages so it was really not possible to to do justice to it okay to express each and everything uh, very completely and clearly सो so, और कुछ थॉट्स तो ऐसे भी होते हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं आइडियाज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में लाइक like, उन्हें पोर कर पाना पूरी तरह से बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सी फॉरेन लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेड वोकेबलरी होती है उनके अपने वर्ड्स होते हैं और उनके साथ जो है किसी और थाट को ला कर करना उस फॉरन लैंग्वेज में तो दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल

थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज ओके सो दिस इज एक्चुअली द पोए फाइन तो जिस तरह से ड्रैगन फ्लाई जो है वो विंडो पेन के थ्रू जाना चाहती है बट वो विंडो पेन के थ्रू नहीं जा पाती है और वो कोशिश करती है कि उसको किसी तरह से पार कर पाए तो जो वो कंटिन्यूसली जो स्ट्रगल एंड एफर्ट करती है और उसकी वजह से जो मार्क्स छोड़ देती है विंडो पेन पर दैट इज एक्चुअली अ मेटाफर फॉर द पोएट लाइक यहाँ पर बोले सोनका ने बहुत कोशिश की है कि वो अपने नेटिव थाट को और अपने ओरिजिनल जो जो कल्चर है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू थ्रू जो है एक्सप्रेस कर पाए बट वो कुछ हद तक तो उन्होंने अचीवमेंट पाई है कुछ हद तक तो वो थोड़ा सा मतलब उनको सक्सेस मिली है बट नॉट फुल्ली ओके एंड ही सेज दैट ही विल डू इट ही इज एक्चुअली कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट फाइन सो नाउ वी कम टू द डायरेक्टली एंड वील टेक द पोएम लाइन बाय लाइन सी द पोएट सेज ड्रैगन फ्लाई एट माई विंडो पेन सो वेन आई ऑफर मी अ मीडियम एज द विंडो पेन तो ड्रैगन फ्लाई विंडो पेन पर है और जब हम एक मीडियम ऑफर करते हैं मीडियम Window pane medium, that is medium of English language. You beat upon it frantic wings against the unyielding tolerance. Frantic kehne ka matlab energetic. एनर्जेटिक in a, in a एंड है वो तेजी से वाइब्रेट कर रही है और मूव कर रही है अपने विंडो पेन जो है वो क्या शो कर रहा है अन ईल्डिंग टॉलरेंस यानी कि द विंडो पेन इज एक्चुअली अनफेक्टेड बाय द स्ट्रगल ऑफ द ड्रैगन फ्लाई तो उसी तरह से यहाँ पर एक्चुअली पोएट ने कोशिश तो बहुत किया है स्ट्रगल तो बहुत किया है कि वो एक uh, बड़े ही ट्रूली एंड क्लियरली अपने थॉट्स को इंग्लिश के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए बट एक्चुअली द इंग्लिश लैंग्वेज इज अनअेक्टेड बाय दो इंग्लिश लैंग्वेज के अपने इडियम्स हैं अपने फ्रेजेस हैं अपनी वोकेबलरी है वो उसके अंदर पूरी तरह से जो जो नेटिव फीलिंग है और नेटिव जो मीनिंग है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है फाइन तो इट इज रिमेनिंग अन Yet did I envy this? Poet आगे कहता है कि Yet did I envy this? The unambiguous pain. Unambiguous मतलब clear pain. See the window pain is really very clear. यही चीज हमने आपसे कहा ना. Window pain means the English language. English language is actually very clear and complete language. वो अपने आप में complete है. अगर कोई आप uh, English culture को उसके through represent करना चाहे तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं. But the thing is when you try to express something else through the language, it will be a difficult one. So, उसी तरह से लैंग्वेज अपने आप में क्लियर है विंडो पेन अपने आप में क्लियर है एंड थॉट इट क्लैरिटी इन पोएट भी कह रहा है कि क्लैरिटी इज देयर बट बट यू मस्ट वॉर अपॉन इट विंग्स ऑफ फ्रॉस्टेड लाइट यू मस्ट वॉर अपॉन इट विंग्स ऑफ फ्रॉस्टेड लाइट कहने का मतलब कि वैसे तो विंडो पेन क्लियर है बट जब ड्रैगन फ्लाई उसके थ्रू जाना चाहती है और ड्रैगन फ्लाई जो अपने विंग्स में जो भी लाइट लेकर आ रही है एंड कलर्स लेकर आ रही है वो उस विंडो पेन के थ्रू जो है उतना क्लियरली नहीं जा रहे हैं सेम वे अगर इसको मेटाफोरिकल वे में देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा क्लियर है बट जब बोले सो इनका अपने थॉट्स को उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो वो उतने थॉट्स एक्चुअली क्लियर नहीं रहते थॉट्स जो है दे लूज देयर मीनिंग दे बिकम दे बिकम हेजी जिस तरह से उसने कहा है ना विंग्स ऑफ फ्रॉस्टेड लाइट फ्रॉस्टेड मतलब धुंदली हो जाती मीनिंग जो है वो अपना ट्रू एसेंस खत्म कर देती है उस, उनका एसेंस नहीं रह जाता दू मीनिंग इज नॉट देयर तो इसीलिए फ्रॉस्टेड लाइट फ्रॉस्टेड का मतलब ये होता है धुंधला हो जाना फाइन एंड चार्ज इन थर्डर क्लास बट द पोएट इज सेम वी शुड चार्ज अगेन एंड अगेन हम लोगों को सेम स्ट्रगल एंड सेम फोर्स के साथ चार्ज करना चाहिए वी शुड कंटिन्यू टू स्ट्रगल तो कुछ कुछ तो ड्रैगन फ्लाई uh, कंटिन्यूसली चली जाए तो भले ही अगर वो विंडो पेन के थ्रू नहीं जा पा रही है तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स तो शीशे के ऊपर छोड़ देती है उसी तरह से हम चाहते तो है कि हम अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए लेकिन सपोज अगर हम कंप्लीटली नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वी आर लिविंग सम मार्क्स ये कहने की कोशिश की है पो, पो है पोएट ने ईच डाइव डाइव प्रूफ हर जो कुछ ना कुछ प्रूफ लेकर आता है कुछ ना कुछ सक्सेस लेकर आता है योर पार्चमेंट शेविंग रीड इवन क्लैरिटी मार्क्स टबन सब्सटेंस नाउ हियर ही पार्चमेंट यू नो पार्चमेंट इज अ हार्ड सब्सटेंसिन वगैरह का होता है जिसके ऊपर राइटिंग की जाती थी इन द ओल्डन डेज तो poet is actually saying कि जिस तरह से पांच के ऊपर जो कि एक hard substance है, लेकिन लोग अपने thoughts लिखते थे पहले, right, तो उसी तरह से भले ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज अ हार्ड सब्सटेंस जिसके ऊपर हम अपने थॉट्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल डू इट ओके सो ही इवन क्लैरिटी मार्क्स दब सब्सटेंस कहने का मतलब ये है कि uh, Because see, it is not easy to describe every thought clearly in a foreign language. So people will people will only understand their native tongue. So भले ही हमने कोशिश तो पूरी तरह से की है लेकिन ये जो क्लैरिटी है क्लैरिटी के ऊपर मास्क लग जाएगा किसी ना किसी सब्सटेंस का सब्सटेंस इज एक्चुअली कोई ना कोई चीज़ meaningless रह जाएगी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो फुल्ली जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी Then he says, and shall this image I present not stay its own determined shield? और जो इमेज हम दिखाना एक्चुअली चाह रहे हैं जो क्लियर एंड कट इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं जिस तरह से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये एक्चुअली अपने आप को शील्ड नहीं कर पाएगा ये कहीं ना कहीं ये थॉट जो है वो हेजी हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी मच ड्रॉस

जब वो थॉट क्लियरली दूसरी लैंग्वेज में नहीं आया है तो जो रीडर्स हैं उनको लगेगा कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज लिखी है तो कुछ ना कुछ कोई चीज तो रह जाएगी जो कंप्लीटली जो है वो माइंड में सेटल नहीं होगी इज दैट क्लियर आई गिव यू एन एग्जाम्पल हियर वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज जैसे हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं ना कोई बहुत ज्यादा जैसे पेरेंट्स uh, को बच्चे बहुत उनके जो uh, क्या कहते हैं जो बच्चा है मेरा ये मेरी आंखों का तारा है बट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी सेन यून यू लव सम का तारा एन एपल ऑफ माई आई देंज

Writings have given a very simple and a correct view of the world. Whatever he thought, uh, like उन्होंने उस चीज को represent किया है. Okay, so देखिए, ना आगे वो कहते हैं, and trust no inner warp but smudges left by probing hands. Inner warp write down over there, inner inner distraction, smudge write down blemish, धुंधला uh, कर देना. ओके okay, probing hands कहने का मतलब एक्सप्लोर करना, continuously vocabulary को ढूंढना. तो पोएट ने ये कोशिश बहुत की लाइक like, पोएट ने ट्रांसलेट करने के टाइम कोई अपने इनर जो ट्विस्ट है इनर एक्सप्रेशन जो है उनके अंदर उन, उसको उन्होंने बाहर आने नहीं दिया है द फ्लो इज एक्चुअली द फ्लो एंड फ्लेयर वॉज स्पॉन्टेनियस पोएट ने ट्रांसलेट करते टाइम हर चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर रखने की कोशिश की है और एक ब्रिलियंट क्राफ्टमैन की तरह जो है उन्होंने अपने हैंड से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है क्या कहते हैं न्यू वर्ड्स को और वर्ड्स को सर्च करने की कोशिश की है एक फॉरन लैंग्वेज में ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए देन ही सेज डस्ट ऑफ फेथ फ्लिम्जी विंग्स डिस्ट्रॉस टू रोविजन डस्ट ऑफ फ्लेथ फ्लिम्जी विंग्स राइडर देयर फ्लिम्जी इज एक्चुअली विच ब्रेक्स अंडर द प्रेशर लाइक पोएट ने कोशिश तो बहुत की है कि वो अपने थॉट्स को लाकर पर अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए बट कभी कदार क्या होता है कि लोग जब पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि पोएट का डिस्क्रिप्शन जो है वो है जैसे कि सपोज इसको अगर मेटाफोरिकल वे में देखा जाए जिस तरह से पोएम लिखी हुई है लिटरल मीनिंग पर तो लिटरल मीनिंग पर तो ये है कभी कदा ड्रैगन फ्लाई जो है वो अपने साथ अपने विंग्स की डस्ट भी लेकर आती है और वो डस्ट को जो है वो विंडो पेन पर लगा देती है फाइन तो उससे विजन उतना क्लियर नहीं होता तो उसी तरह से पोएट कह रहे हैं कभी कदार हो सकता है मेरी मीनिंग भी थोड़ी धुंधली लगे इनएड्यट लगे लेकिन एक रीडर जो है जब वो एक लाइक uh, like, एक डीपर लुक लेगा और डीप डीप सेंस के साथ जो है जब वो एसेस करने की कोशिश करेगा मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा तो ही विल फाइंड द ट्रू मीनिंग और जो जो ट्रू विजन है जो है वो जो मिसशेप पहले हो रहा था वो अब मिसशेप नहीं होगा एंड द रीडर विल बी एबल टू फाइंड द ट्रू मीनिंग So, this is the poem here where the poet is actually trying to uh, express his culture and he wants to load the English language with his own thought. Okay. And the poet ko achievement, mila hai, he's sure of success, and he says that he'll do it one day. He'll do it and he's going to achieve what he wants. Okay, fine. So he's confident of it. So this is the poem. If you have not understood anything, you can ask it in the comment box. Fine. Thank you.